अस्सलामुअलैकुम, मैं हुरम एंड वेलकम टू माय चैनल। कुछ ऐसी रेमेडीज होती हैं हम यूट्यूबर्स की भी, जो कि हम लोग को खुद इतनी पसंद होती है। और मैं कहती हूँ कि यार, जो आज मैं रेमेडी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, वो मैं कहती हूँ हर लड़की के पास जरूर होना चाहिए। दो चीजें बहुत ही सस्ती, लेकिन हर लड़की के पास जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये आपका एक फुल बॉडी पैकेज है, जिसमें अगर स्पेशली जिन लड़कियों को मसला होता है डार्क अंडर आर्म्स का, या फिर डार्क प्राइवेट एरिया बिकिनी लाइन का, डार्क अंडर लेग्स का, या फिर डार्क जो है कोहनियां हो रही हैं, घुटने हो रहे हैं, उसके लिए बहुत जबरदस्त है। तो ये देखें, ये चीज है जो कि आपने बना के अपने वॉशरूम में रख लेनी है, और जब भी आपने शावर लेने जाना है, आपने इसके साथ जहां जहां भी आपको डार्कनेस का मसला है, आपने उसको करना है इस्तेमाल तकरीबन 5 मिनट के लिए, और आप देखेंगे कि इतने आला रिजल्ट है ना यार। ये मेरी एक नेसेसिटी बन गया, मेरे वॉशरूम में ये पड़ी रहती है, और खत्म हो गई थी। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये देखिए किस तरह से मेरा जार जो है खाली हो चुका है, और अच्छी तरह से मैंने पोंछ पांछ ली। उसके बाद मैंने दोबारा से बैच बनाना था, मैंने कहा आप लोग के साथ इसको बनाऊंगी। तो इसके लिए सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, साथ लगे बेल आइकन को हिट करो ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो अभी के अभी, क्योंकि वीडियो बहुत आला होने वाली है और आप लड़कियों ने इसको जरूर बनाना है। तो सबसे पहले जो चीज आपको चाहिए इसके लिए वो है जी कॉफी। कॉफी यहाँ पर मैं जो इस्तेमाल करने जा रही हूँ वो है टर्किश कॉफी। ये जो है मेरा जार है जिसको कि मैंने भर के रखा हुआ है। टर्किश कॉफी के लिए क्या किया था, टर्किश कॉफी के बीन्स लेके मैंने अपने भाई को भेजा कि भाई इसको पंसार शॉप से या कहीं से भी चक्की से पिसवा के ले आओ, तो वो पिसवा के ले आया है। तो टर्किश कॉफी आपको पंसार शॉप से बहुत आसानी से मिल जाएगी, ठीक है जी। तो आपने लेनी है टर्किश कॉफी। अगर आप टर्किश कॉफी नहीं लेना चाहते, थोड़ी सी ये एक्सपेंसिव होती है, ये मैं आपको अभी से बता रही हूँ, तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे टर्किश कॉफी नहीं चाहिए, तो नो प्रॉब्लम, इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। उसके लिए आपने लेनी है कोई भी जो घर में आपके कॉफी होती है, जैसे कि आमतौर पे नेस्कैफे हर घर में होती है, तो आप नेस्कैफे कॉफी लोगे। लेकिन क्योंकि हम लोगों को स्क्रबिंग इफेक्ट चाहिए, और ये जो कॉफी, ये जो इंस्टेंट कॉफी होती है, ये थोड़ी देर के बाद मेल्ट हो जाती है, तो इसलिए साथ में हम लेंगे बारीक पिसी हुई चीनी। ये देखें इस तरह से बिल्कुल बारीक पिसी हुई आपके पास चीनी होनी चाहिए। तो टर्किश कॉफी उसके जब आप उसको इस्तेमाल करते हो, हम टर्किश कॉफी क्यों ले रहे हैं, टर्किश कॉफी को जब आप इस्तेमाल करते हो तो उसके दाने दाने से बने रह जाते हैं, तो आप जितनी देर भी स्क्रबिंग करोगे वो मेल्ट नहीं होती, जबकि इंस्टेंट कॉफी मेल्ट हो जाती है। तो इसलिए मैं टर्किश कॉफी का कह रही थी, लेकिन ये है कि फायदे दोनों के एक हैं। आपकी स्किन को लाइट एंड वाइट एंड ब्राइटन करता है, डेड स्किन को रिमूव करता है, साफ सुथरी स्किन को निकालता है। तो ये हो गया। उसके बाद वेट इंग्रेडिएंट में हमने लेना है कोई भी ऑयल, बॉडी ऑयल। मैं यहाँ पर एलमंड ऑयल इस्तेमाल करूंगी, आपकी मर्जी है, आप कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हो, जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हो, तिल का तेल यानी सेसमे ऑयल इस्तेमाल कर सकते हो, या मीठे बादाम का तेल इस्तेमाल कर सकते हो। अब इन दोनों चीजों को क्या करना है कि क्वांटिटी हमने इस तरह से रखनी है कि जितनी क्वांटिटी कॉफी की होगी, जैसे कि मैं अगर 3 से 4 टेबल स्पून कॉफी ले रही हूं, तो उसकी 3 टाइम्स मैंने जो है उसमें अपना लिक्विड इंग्रेडिएंट डाल देना है। जैसे कि अगर 1 टेबल स्पून मेरा कॉफी है तो 3 टेबल स्पून मेरा ऑयल होगा, अगर 2 टेबल स्पून कॉफी है तो 6 टेबल स्पून, अगर मैं 3 टेबल स्पून डाल रही हूं कॉफी तो अब इसमें हम डालेंगे जी 9 टेबल स्पून ऑयल के। इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, और ये रेडी हो गया है जी आपका बहुत ही आला किस्म का स्क्रब, जो कि मेरा मोस्ट 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 फेवरेट है हर वेदर के लिए। अच्छा, अब कुछ लोग होते हैं जिनकी मेल कुचल बहुत ही पुरानी और जमी हुई होती है, कुछ भी कर लो खत्म नहीं होती, तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा चीज आप डालेंगे, लेकिन वो उन लोगों के लिए जिनको के बहुत ही जमी हुई मेल कुचल का मसला है, जो कि कई सालों से, जैसे अक्सर लोगों को जो है बिकिनी एरिया पर बहुत ज्यादा जो है डेड स्किन का मसला हो जाता है, बहुत ज्यादा डार्कनेस का मसला हो जाता है, उनकी गर्दन पर जो है बहुत ज्यादा डार्कनेस हो गई होती है, मेल कुचल जम गई होती है, तो उसके लिए फिर आपने इसमें डालना है जी, अगर आपने 3 टेबलस्पून कॉफी के लिए हैं तो आप इसमें 2 टीस्पून डालेंगे बेकिंग सोडा के। बेकिंग सोडा इतना जबरदस्त है ना आपकी जमी हुई मेल कुचल को उतारने के लिए, आपकी डेड स्किन को उतारने के लिए। इस्तेमाल कैसे करने, इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है। जब भी शावर लेने के लिए जाओगे तो आपने अपने जिस्म को, वेट जिस्म के ऊपर आपने इस स्क्रब को यूज कर लेना है। इस स्क्रब की सबसे अच्छी बात यह है कि फेस के अलावा आप बॉडी के किसी भी पार्ट पे इसको इस्तेमाल कर सकते हो।
जैसे कि आप चाहो तो आप अपने आर्म्स पे, हैंड्स पे, अंडर आर्म्स के लिए ये इतना आला है। गर्मियों में स्पेशली आपको पता है पसीने वगैरह की वजह से अंडर आर्म्स डार्कन होने लगते हैं लोगों के, उसके लिए इतना जबरदस्त है ये कि मैं आपको क्या बताऊं। डार्क नेक के लिए बहुत अच्छा है, डार्क बिकिनी एरिया, डार्क अंडर लेग बहुत ही अच्छा है। अच्छा, जिस बॉडी पार्ट पर आपने स्क्रब करना है 5 मिनट के लिए करना है। अगर आपने हाथों और पैरों पर करना है 5 मिनट हाथों पर दोगे, 5 मिनट आप पैरों पर दोगे। अगर दोनों हाथों पर करना है तो 5 मिनट एक पर, 5 मिनट एक पर, इस तरह से आपने करना है। तो बेहतर यही है कि रात को जब सब सो जाए तब करो ताकि आपके पास टाइम हो और आप आराम से इसको कर सको। लेकिन ट्रस्ट में बहुत ही आला है। हफ्ते में 2 दफा इस स्क्रब को आपने यूज करना है। इसको आपने जब 5 मिनट के लिए स्क्रब कर लेना है, उसके बाद आपने क्योंकि इसमें ऑयल यूज किया है तो आप इसको अच्छी तरह से वॉश कर लोगे। अगर आप चाहो तो सोप यूज करो, अगर नहीं चाहते तो सोप यूज ना करो। सोप अगर आप यूज नहीं करोगे तो यह है कि ये जो आपने इसमें ऑयल यूज किया होगा तो उसकी वजह से आपकी बॉडी वैसे ही जो है सॉफ्ट सॉफ्ट रहेगी। लेकिन अगर आप सोप यूज कर लेते हो तो आप उसके बाद फिर मॉइस्चराइजर, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास ये क्रीम है तो इसी को मैं हमेशा जो है बॉडी क्रीम के तौर पर यूज करती हूँ। किसी भी मौसम में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, वॉशरूम में रख लो, खराब नहीं होगा, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है इसकी। लड़के हैं, लड़कियां हैं, किसी भी एज ग्रुप के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों के लिए नहीं है ये, ठीक है। अगर जो है 9 साल से कम के बच्चे हैं वो यूज नहीं करेंगे, बाकी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, ट्राइंग टू कंसीव हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, स्कूल गोइंग, ऑफिस गोइंग, जो भी हैं इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी दो में, याद रखें अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।